शासन किस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सेवा करना या प्रतिबंधित करना, और राजनीति से सामाजिक नीति अपनाने वाले राजनेता प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिए कुछ नियम, संस्थाओं और देशों के बुनियादी ढांचा निर्माण का आवश्यक पर बल देते हैं। जो जो राज्य का स्वरूप और गतिविधियों का विस्तार होता जाता है त्यों त्यों प्रशासन और राजनीतिज्ञों का महत्व भी बढ़ता जाता है। लेकिन अब यह कहना अतियुक्ति नहीं होगी कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन सब के अभाव में किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता। आज ठीक इसी तरह यह दृश्य और भुटकाव के मारे झेलते हुए लोगों की जुबान अपने द न्यूज इंडिया के कैमरे समक्ष कैसे बयान दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असम राज्य के मानकछार जिला स्थित दक्षिण सालमारा गाँव निकट के वर्षा में बढ़ते हुए ब्रह्मपुर नदी का पानी से वर्तमान इस समय भुटकाव होकर लगभग 150 घर परिवार लोग बेघर होकर जीवन मरण का सवाल खड़ा हो चुका है। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह दहशत में जीवन काटने को मजबूर हैं। स्थानीय परिवारजनों ने कहा कि जानकारी मिलने के अनुसार यह जिला के सांसद बदरुद्दीन आजमल और इस क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वाजिद अली चौधरी जी की भुक्तभोगी ने जानकारी दिया है कि शासन और क्या नेता ये दोनों एक दूसरे के ही चट्टे पट्टे हैं। यह शासनकर्ताओं का वोट विच्छाटन होने पश्चात सामाजिक कार्यकलाप से कोई वास्ता ही नहीं है। ये तो हमारा धुबरी डिस्ट्रिक्ट का साउथ सलमारा है। धुबरी से हमारे ये डाउन से 25 से 30 किलोमीटर डाउन में है। तो आज एक साल से एक महीने से जो नदी का जो प्रॉब्लम है इसे तो कम्प्लीट भंगचूर कर रहा है। अभी तक यहाँ में 200 से ज़्यादा घर टूट गया, दुकान पट और घर गया है। आदमी लोग का जो रहता है वो 100 से 150 तक घर टूट गया। अभी तक हमारा ये गांव देखने के लिए कोई MLA, कोई मंत्री, कोई MP, कोई आदमी देखने के लिए कोई नहीं आया। पब्लिक का तरफ से कोई घास उस काट करके आदमी लोग माने डाउन में दे रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और क्या करूँ, इसमें हम लोग का जो हाल है, हम लोग को जाएंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बारी उठाएंगे। हम लोग यहाँ का हज़ार आदमी यहाँ में दुकान करके चलता है, फैमिली चलाता है। इसमें अभी जो टूट गया है इन लोग कहाँ जाएगा, कहाँ में दुकान पाट करके, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम सरकार से दरखास्त करता हूँ तुरंत हम लोग का यहाँ का जो टूट जो घर और दुकान पर जो टूट गया है, हम सरकार से दरखास्त कर रहा हूँ जे तुरंत यहाँ का कोई व्यवस्था करने के लिए। हम लोग को जितना आदमी है तो देख सकता है, इतना आदमी है, देखिए इसमें बहुत आदमी है, सब लोगों का दुकान है, इसमें है कि नहीं है आप लोगों का, आप लोगों का सब लोगों का दुकान है, दुकान सब टूट गया। इन लोग क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसीलिए चिंता कर रहा है। आज सुन रहा है कि हमारा ये जगह देखने के लिए वो सालमारा का जो विधायक हुआ अभी आ रहा है, वो क्या करेगा हम लोग का जगह के लिए, क्या करना है उसके लिए, अभी आएगा वो क्या करेगा, सब तो टूट गया है ना, क्या करेगा वो आके। तो ठीक है, हम लोग के यहाँ में पब्लिक का है तो सरकार का तरफ से दरखास्त करता हूँ तुरंत इसका कोई व्यवस्था करने के लिए। ये थी नूरुल अमीन की रिपोर्ट।